मैं पूजा बारंगे और आप मेरे साथ प्लस प्रमेश ई लीप पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां तो किस तरह क्या क्या पढ़ना है, भारत की मिट्टियां मतलब किस कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, और थोड़ा सा सॉइल के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि सॉइल है क्या, मिट्टी क्या चीज है। तो मिट्टी क्या है, बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज है। क्या है मिट्टी, बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज है, बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज है मिट्टी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन कई बार वन लाइनर, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ सॉइल ये कहलाती है आपकी पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो यहाँ पर दो चीज देख ली कि मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन की बात हो रही है यहाँ, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज नहीं संसाधन है, बस प्राकृतिक संसाधन है। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ये मैंने देख लिया। अब क्या है कि वॉट इज सॉइल, यहां से हम शुरू करेंगे। तो सॉइल है क्या, तो पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली परत मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ फिर आपको एक जनरल वर्ड में समझा दूंगी। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली जो परत है वो मिट्टी कहलाती है ना। तो इसको समझने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या लिख दिया, तो एक्चुअली देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कि हमने हमारी पृथ्वी पर चट्टाने पाई जा रही और ये चट्टानों का जो अपक्षय और अपरदन हो रहा है, चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ही क्या हो रहा है, और जब ये होने से जो पदार्थ निकल रहे हैं और वो जैविक पदार्थ से जाकर के मिल जा रहे हैं और उस तरह से क्या हो रहा है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो मिट्टी जो है वो हमारी क्या है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाए जाने वाली है ना, असंगठित दानेदार कणों की एक परत है और वही क्या कहला रही है, वो मिट्टी कहला रही है। तो यहाँ पर अब एक और चीज है, ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, आपने नाम सुना होगा ह्यूमस का, ह्यूमस क्या होता है, तो ये मिट्टी के, अगर सॉइल पढ़ रहे हैं तो आपको ह्यूमस पता होना चाहिए, मिट्टी में वनस्पति और जीवों के सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, है ना। मिट्टी में वनस्पति व जीवों के सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। और जो ह्यूमस होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो कुछ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा रहेगी, कुछ में कम रहती है। तो ह्यूमस क्या बताया, सड़े मिट्टी में वनस्पति और जीवों के सड़े गले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस का निर्माण किससे हो रहा है, वनस्पति और जीवों के सड़े गलने से ही जो मिट्टी में जाकर के मिल जा रहे हैं तो ह्यूमस बन रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, मिट्टी बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, और यहाँ पे मैंने सॉइल की डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद में देखेंगे कि मिट्टी में क्या होता है, जैसे मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वैसे मिट्टी में कुछ चीजों की कमी भी पाई जाती है। तो किन किन चीजों की कमी पाई जाती है, तो मिट्टी में क्या है, जैसे कि ह्यूमस की तो कमी पाई ही जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है मिट्टी में। तो मिट्टी में किन पदार्थों की कमी पाई जाती है, मिट्टी में कमी पाए जाने वाले पदार्थ है, तो कई जगह हम ये अभी डिटेल में जब मैं बता रही हूँ तो मैं बताऊंगी कि कौन कौन से। तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन कम पाया जाता है कई मिट्टी में, कई मिट्टी में फास्फोरस कम पाया जाता है, ये हो गया मिट्टी में कमी, हाई ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, यहां तक देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये एक इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। तो विश्व मृदा दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था सबसे पहले 5 दिसंबर 2016 को, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया, 5 दिसंबर 2016 को सबसे पहले विश्व मृदा दिवस बनाया गया था। और भारत सरकार के द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें कि क्या मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को ठीक करने के लिए जो सरकार के द्वारा क्या एक
मतलब योजना लाई गई है जिसमें 75% जो है जो व्यय करती है वो सरकार करती है, केंद्र सरकार, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो ये कौन सी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इसे शुरू कहाँ से किया गया? तो इसे शुरू किया गया था राजस्थान से, है ना, राजस्थान के जिले से शुरू किया गया। तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया है। राजस्थान में कौन सी जगह थी? सूरतगढ़ से। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए यही ले लिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आ सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह 19 फरवरी 2015 से वो शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई? कई बार ये भी आ जाता है, तो राजस्थान के सूरतगढ़ से ना इसको शुरू किया गया। और इसका जो वाक्य है वो वाक्य क्या है? उसका वाक्य है आपका स्वस्थ धरा तो खे धरा, है ना, स्वस्थ धरा और खे धरा, ये इसका स्वस्थ धरा खे धरा। आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी तभी तो आपके खेत में वो आए कुछ होगा, तो इसलिए बताया गया स्वस्थ धरा खे धरा। तो इसका क्या है, ये एक तरह से वाक्य है ना, वाक्य इसका जो दिया गया था ये। और इसे शुरू किया गया था 19 फरवरी 2015 से राजस्थान के सूरतगढ़ से। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो एक्चुअली हमें कैसे है, साइंटिफिकली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो लोकल लेवल पे तो आप कुछ भी मिट्टी के नाम ले सकते हो, लेकिन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो किसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो है आपकी ICAR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के द्वारा भारत में क्या किया गया, मिट्टी को, सॉइल को 8 भागों में बांटा गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पॉइंट याद रखना है कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान है उसके द्वारा किसको भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ना, ICAR का फॉर्म एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इन्होंने क्या किया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को 8 भागों में बांटा। तो मैं पहले उनके नाम लिख देती हूँ, फिर एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप पहली बात तो यहीं पर परसेंटेज क्षेत्र में कितने लिख लो ये लिख लो, फिर मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, ये कहाँ है हमारे देश में? सबसे ज्यादा 40% क्षेत्र में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की क्या खासियत है, ये कहाँ पाई जाएगी? तो एक्चुअली ये क्या है, नदियों के द्वारा बहाई कर लाई गई, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा बनती है और वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियों वाला क्षेत्र है, मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी का क्षेत्र, गंगा वाला क्षेत्र है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है आसाम में, वहां सभी जगह पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो है सेकेंड, वो है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है, अच्छा ब्लैक सॉइल से पहले लाल मिट्टी देख लेते हैं क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज वाइज बता देती हूँ। लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी, दैट इज रेड येलो सॉइल, ये सेम नाम है, रेड येलो सॉइल, ये है 18% क्षेत्र पर। लाल पीली मिट्टी जो है ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? ये पाई जाती है 18% पर। फिर उसके बाद में है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, काली मिट्टी, कपासी, काली कपासी मिट्टी कहते हैं इसे। तो ये है आपकी ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? तो 5% क्षेत्र पर पाई जाती है ये। इसके बाद में है, एक्चुअली क्या है कि ये जो चार मिट्टी की अभी मैं बात कर रही हूँ ये भारत में की मेन मुख्य मिट्टी है। उसके बाद में और जो चार है वो नॉर्मली, मतलब कई बार तो हम सिर्फ चार के बारे में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने ICAR में जो डिवाइड बताया उसके अकॉर्डिंग हम 8 की बात कर रहे हैं। मैं मुख्य चार की बात पहले कर रही हूँ, उसके बाद वो चार की और बात कर लेंगे। लेटराइट सॉइल,
तो लेटेराइट सॉइल भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? लेटेराइट सॉइल पाई जाती है 3.7% क्षेत्र पर लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों मिट्टी होगी। पांचवी जो मिट्टी है दैट इज आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल, तो डिजर्ट सॉइल हमारे क्षेत्र में देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? 7.94% क्षेत्र पर, है ना, 7.94% जो एरिया है यहाँ पर डिजर्ट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी के बाद में नेक्स्ट जो है वो आपकी दैट इज पर्वतीय मिट्टी, है ना, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यह हो गई आपकी हिली सॉइल। तो पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी, पर्वत कौन से है? जो आपके हिमालय वगैरह पर्वत है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? अच्छा, यहाँ पर एक डेटा हो गया, ये 7.94% है पर्वतीय मिट्टी की है और यहाँ पर है ये 6.13% जो है मरुस्थलीय मिट्टी का डेटा था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है दो बज गई है आपकी, एक तो पीट मृदा, है ना, पीट मिट्टी, पीट पीट सॉइल, और जो लास्ट बची है वो है आपकी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी जो है सॉल्टी सॉइल भी कहते हैं इसको, है ना, ये दो बची हुई है तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, पीट सॉइल और सॉल्टी सॉइल। तो जो पीट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? पीट मिट्टी आपकी जो है 2.17% क्षेत्र पर पाई जाती है पीट मिट्टी, और उसके बाद में जो है लास्ट वाली ये है 1.29% क्षेत्र पर पाई जाती है लवणीय मिट्टी। तो सबसे कम जो है हमारे देश में लवणीय मिट्टी है, सॉल्टी सॉइल है जो कि आपके 1.29% क्षेत्र पर पाई जा रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो हमारा ICAR के द्वारा हमारे देश में मिट्टी मृदा को 8 भागों में बांटा गया है, तो हमने उसके बारे में देख लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर हिंदी में समझ ना आए तो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देख लेते हैं कौन कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल भारत में 40% क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी रेड येलो सॉइल 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल 5% क्षेत्र पर पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट सॉइल 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसके बाद में मरुस्थली मिट्टी डिजर्ट सॉइल 6.13% क्षेत्र पर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिली सॉइल 7.94% क्षेत्र पर पाई जाती है। पीट सॉइल की जो बात कर रहे थे, पीट मृदा की 2.17% क्षेत्र पर पाई जाती है। लवणीय मिट्टी सॉल्टी सॉइल 1.29% क्षेत्र पर पाई जाती है। यहाँ पर एक चीज और है, जो ब्लैक सॉइल है इसी को ही जो बोला जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये नाम भी कई बार आ जाता है इसलिए यहीं की लिख देती हूँ, रेगुर सॉइल, है ना, ये इसी का नाम है। काली मिट्टी मतलब ये भी नाम क्वेश्चन ही आ जाता है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन पूरे 8 मिट्टी के बारे में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, शुरू करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र से। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ना, जिसका कि नाम मैंने बताया एलुवियल सॉइल भी है। तो जलोढ़ मिट्टी हमारे देश में किस किस क्षेत्र में पाई जाएगी? पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी का एक डेटा ये बता दिया कि 40% क्षेत्र पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यहाँ क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने बताया जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जो नदियों का क्षेत्र है, नदियां अपने साथ जहां भी मिट्टिया को बहा करके लाएगी और वहां पर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। और इसीलिए सबसे ज्यादा 40% क्षेत्र पर है, क्योंकि जो हमारे देश में सिंधु नदी का क्षेत्र है ना, आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर के नीचे वाला जो बेल्ट है ना, वहां पर सिंधु नदी का क्षेत्र, और उसके बाद में आपका गंगा नदी बह रही है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से, तो उत्तर प्रदेश बिहार, फिर उसके बाद में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र
मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी आपको बहुत बड़े एरिया में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में है कि ये जो है हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र भी पाए जाएंगे जहां पर डेल्टा वाले क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे नदियां है, जैसे कृष्णा गोदावरी नदी के क्षेत्र है, वहां पे भी आपको कौन सी देखने को मिलेगी, वहां पे भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में कावेरी है ना, गोदावरी कृष्णा महानदी, कावेरी गोदावरी कृष्णा महानदी के क्षेत्रों में भी आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, ये भी जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलने वाली है। अब जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषता होगी, जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा, ह्यूमस की कमी होती है। सबसे पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है और ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे मतलब खाद्यान्न भी बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी को भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी को एक और बोलते हैं पछारी मिट्टी भी बोला जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी को क्या है, ये सिंधु गंगा वाला जो मैदान बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में, मतलब जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बटी हुई है, एक है आपकी बांगर, बांगर और एक है खादर, ठीक है, बांगर और खादर। तो जो बांगर है वो आपकी पुरानी मृदा को कहते हैं, पुरानी मिट्टी, ये पुरानी मृदा, मतलब कैसे कि जो सॉइल है वो जब बाढ़ आती है तो अपने साथ में नई मिट्टी को बाहर करके ले आएगी, तो जो पुरानी मृदा है वो बांगर कहलाती है और ये कम उपजाऊ होती है, ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। जो खादर होती है वो नई मृदा है, बाढ़ के द्वारा जब मृदा मिट्टी को बहा करके लाया जाता है तो इस तरह आती है, बनती है ये खादर, और ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, तो अधिक उपजाऊ होती है, क्या होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। तो बांगर और खादर की बात हो गई और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है इसकी बारी बात हो गई। फिर इसके बाद में है, हाँ, इसमें हमें इतना ही पढ़ना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, हमारा यहाँ पर ये खत्म हुआ है कि बांगर और खादर दो तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है, हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, बस इतना आपको याद रख लेना है कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम होती है ना, अधिक उपजाऊ होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, अधिक उपजाऊ होती है इतनी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखेंगे, हमारी नेक्स्ट जो मिट्टी है दैट इज सेकंड मैंने बताई थी रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी है ना। अब दो कैसे हो सकती है भाई, लाल भी और पीली भी, तो इसमें कुछ नहीं है, जो लाल मिट्टी है इसी, यही मिट्टी जब इसमें पानी मिल जाता है वो पीले कलर की दिखने लगती है, तो इसमें उसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। तो अपन उसके बारे में देख लेते हैं, लाल पीली मिट्टी के बारे में, ठीक है। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी पहली बात तो हमारे इसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, हमने देख लिया था 18% क्षेत्र पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब है लाल पीली मिट्टी की विशेषता, तो पहली बात तो जो है लाल पीली मिट्टी इसकी विशेषता यह है कि ये कैसे बनी हुई है ना, तो ये वे चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, बट इसमें लाल कलर क्यों हो रहा है, तो लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इस मिट्टी का कलर लाल होता है, लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण है ना लाल रंग होता है इसका, यह समझ में आ गया, लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण। फिर इसमें अगर इसी मिट्टी में पानी मिल जाए, पानी के मिल जाने से
ना ये कैसी दिखाई जाएगी, ये पीली दिखने लगती है, दिखती है पीली, पीली दिखाई देती है, तो ये आपको याद रखना है पीली दिखाई देती है, तो इसीलिए से क्या कहा जा रहा है लाल पीली मिट्टी। और ये भी हमारे देश के बड़े क्षेत्रफल पर पाई जाती है। फिर उसके बाद में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है तो ये देख लेते हैं। तो ये मिट्टी क्या है हमारे मेनली क्या है प्रायद्वीपी भारत वाले हिस्से में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी लाल पीली मिट्टी, प्रायद्वीपी भारत वाले हिस्से में पाई जाएगी। और उसमें कैसे जैसे प्रायद्वीपी भारत वाले हिस्से में जैसे कि आपका जो नीचे आ गया ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा ये ना तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके साथ में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ। और आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है वहां पे भी रेड येलो सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है। कहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय, मणिपुर, ये वाले क्षेत्र में भी कौन सी आपको मणिपुर, मणिपुर, तो ये वाले क्षेत्र में भी आपको कौन सी रेड येलो सॉइल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि हमें एक्चुअली क्या होगा कि आपको एरियाज भी पता होना चाहिए कि कौन और इनकी क्या विशेषता है। तो लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में 18% पहली बात तो पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रायद्वीपी भारत वाला क्षेत्र मैंने बोला, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में थोड़ी सी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, है ना, मध्य प्रदेश के नीचे वाले हिस्से यहाँ पे भी आपको मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओके, और इतने जो क्षेत्र है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लैक सॉइल, है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा काली मिट्टी से बनते हैं, तो हम ब्लैक सॉइल देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, काली मिट्टी ना, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी। ये देख लो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, 5% क्षेत्र पर पाई जाती है। कपास की कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है काली मिट्टी, इसलिए से काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसा हुआ कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले लावा से जो लावा निकला है उसके ठंडे होने के उपरांत जो बेसाल्ट ना चट्टाने बनी और उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो एक सरल शब्दों में कहा जाए तो जो मतलब कि जब विस्फोट हुआ ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा लावा के निकलने से जो मिट्टी बनी वो ही हमारी काली मिट्टी बनी। बस ये याद रखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से विस्फोट के द्वारा निकलने वाले लावा से बनती है ना, के द्वारा निकलने वाले लावा से बनी। अब वो चट्टानों के अपक्षय से बनी, उसको उतना आपको कुछ वो नहीं करना है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निकलने वाले लावा से बनी है काली मिट्टी। अब इसके बाद में ये हो गया कि भारत में जो काली मिट्टी की जो विशेषता है ना, पहले मैं वो बात कर लूं, काली मिट्टी में क्या होता है कि काली मिट्टी में वाटर को जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। और जल ग्रहण करने की क्षमता होती है
इसी वजह से क्या होता है कि ये मिट्टी बहुत दिनों तक अगर ब्लैक सॉइल वाला जो कोई क्षेत्र है वहां पे पानी आपने एक बार डाल दिया तो वो मिट्टी क्या कर लेंगी, बहुत दिनों तक उसको अंदर अपने अंदर रख के रखेगी, सोख करके रखेगी और धीरे धीरे पौधे के लिए यूज होते जाएगी। तो हमने बहुत दिन तक अगर पानी भी नहीं डालते तो चल जाता है, तो क्या होता है जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है यहाँ पे, चल याद रखते अधिक होती है, हाँ जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। फिर उसके बाद में है कि भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो मालवा का जो पठार है ना, मालवा का पठार जो है आपका भारत मध्य प्रदेश में है, तो मालवा का पठार ये जो है मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है वो पूरा वो कैसा बना हुआ है, वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र ही है। तो मालवा का पठार दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद में गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपर के भाग ना, गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपर मालवा का पठार, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर वाले भाग, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर वाले भाग में भी जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद में है काली मिट्टी मेनली में क्षेत्र बता देती हूँ, तो महाराष्ट्र, एमपी है ना, कुछ हिस्सा गुजरात, यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, यूपी, कर्नाटका और राजस्थान, तो यूपी, राजस्थान और कर्नाटका इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर आपके पास में अगर मैप होगा तो समझिए महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात है ना, ये एक तरफ का क्षेत्र पूरा हो रहा है, इवन ये राजस्थान, और थोड़ा सा नीचे चला गया तो कर्नाटका, और यहाँ पे एमपी से जो नॉर्थ साइड में है वो उत्तर प्रदेश वाला भी क्षेत्र है। तो यहाँ पर सब जगह कौन सी है, काली मिट्टी पाई जाती है ना, काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमने काली मिट्टी का देख लिया कि ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निकलने वाले लावे से बनी है, जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको है ना, और ब्लैक सॉइल को ही मैंने बताया था रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, ये आपकी ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है, इतना हो गया। फिर इसके बाद में एक और वर्ड है लावा मिट्टी है ना, काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और इसके बाद में लावा वाली मिट्टी, और लावा के निकलने की वजह से इसका रंग क्या होता है, गहरा काला है ना, रंग कैसा होता है इसका, गहरा काला होता है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक सॉइल की बात कर ली। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है आपका जो थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ है लेटराइट सॉइल है ना, फोर्थ है लेटराइट सॉइल की हम बात कर लेंगे। तो लेटराइट सॉइल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। लेटराइट सॉइल पाई कहाँ जाएगी, जहां एक्चुअली क्या होगा, जहां तापमान बहुत ज्यादा होगा और बारिश भी बहुत ज्यादा होगी है ना, टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जहां बारिश होगी वहां पर जो आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र अपने भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको बोल दिया है कि 3.7% एरिया पर पाई जा रही है। ठीक है, किस तरह की खेती के लिए अच्छी होती है ये सब मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी है ना, ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इन्हें बोला अधिक वर्षा और उसके बाद में अधिक वर्षा होगी और नेक्स्ट अधिक तापमान ना, अधिक तापमान मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और वर्षा का 200 सेंटीमीटर से अधिक की बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र पर
पाई जाएगी, तो वाला क्षेत्र आपको क्या मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिक तापमान ऐसा कुछ ज्यादा क्षेत्रफल पर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए आपको 3.7% पर बताया। अब पहली बात तो लैटेराइट मिट्टी की जो विशेषता है वो क्या होती है, तो लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है कि जो चूना नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है ना, चूना नाइट्रोजन और पोटाश इसकी कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है, तो बहुत मतलब कि ऐसा है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ खेती हो नहीं पा रही है, लेकिन ये क्या होता है कि ये मिट्टी क्या है, ये चाय की खेती के लिए ज्यादा अच्छी होती है, तो चाय है ना, चाय की खेती होती है इस मिट्टी पर, इसीलिए चाय की खेती देखने को मिल जाएगी इस वाले इलाके में। और कहां पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका या तमिलनाडु वाला इलाका है नीचे में, है ना, तो चाय की खेती और तमिलनाडु कर्नाटका वहां पाई भी जाएगी, नीचे वाले क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होती है। यहाँ पर ये किसकी, काजू की खेती के लिए है ना, मसाले जो हो रहे हैं उनकी खेती के लिए, तो काजू की खेती के लिए फेमस है, ठीक है, काजू की, चाय की, इनकी खेती, इसके खेती के लिए क्या होती है, इनके प्रोडक्ट, इनका खेती होता है तमिलनाडु कर्नाटका और केरला वगैरह में, तो ये मिट्टी लैटेराइट मिट्टी इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब हमने ये देखना है और कौन से क्षेत्र में, तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत वाला क्षेत्र, कौन सा है ये, पश्चिमी घाट का पर्वत वाला क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है ना, उसमें जो नीचे का हिस्सा पूरा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, वो वेस्ट वाले साइड में हमारा क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, तो वहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत में पाई जाती है, पूर्वी घाट पर्वत में भी पाई जाती है ये ना, क्योंकि वहीं पर, तो पहली बात तो पश्चिमी घाट पर्वत वाले इलाके में बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तापमान भी वो सबसे मतलब वहां पर सबसे ज्यादा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है लैटेराइट सॉइल का, वो केरल राज्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा में है ना, और मैं बता दे रही हूँ, उड़ीसा में आपका, इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्र में, अब ये पूरा नहीं होगा, कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र वाला इलाका, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। तो ये लैटेराइट सॉइल के बारे में हमने देख लिया कि किन किन क्षेत्रों में मतलब देखने को मिलती है, अधिक वर्षा अधिक तापमान होंगे तो वहां पे लैटेराइट सॉइल पाई जाएगी, चूना नाइट्रोजन पोटास की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तमिलनाडु कर्नाटका केरला के एरिया में काजू और चाय की खेती की जाती है, और इतने इतने क्षेत्रों पर यहाँ पर हमारे देश में पाई जा रही है। तो ये हमने कितनी, कौन सी सॉइल कम्प्लीट कर ली, चौथी सॉइल कम्प्लीट कर ली, हमने पढ़ ली जलोढ़ मिट्टी, एलिवल सॉइल, रेड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, और नेक्स्ट था यहाँ पे लैटेराइट सॉइल। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, अब जो हमारी चार बात की बची वाली जो सॉइल है, जो है आपकी पीट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, फिर उसके बाद में है आपकी लवणीय मृदा और पर्वतीय मृदा, ये जो चारों सॉइल है एक्चुअली एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, और हमारे देश में मेनली इनका ही इन वाले क्षेत्र में, क्योंकि खेती बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हम उन चारों को भी पढ़ लेंगे अभी की ही क्लास में और कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ पर्वतीय मृदा ना, पर्वतीय मृदा के बारे में, ये कौन सी आपकी हिली सॉइल है, हिल वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, तो आपको पता ही होगा कि पर्वतों पर अगर है तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें एक्चुअली खेती वगैरह तो देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि वहां पर वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, पर तो कितने प्रतिशत पर पाई जाती है, लेकिन 7.94%, क्योंकि जो अपने उत्तर वाला एरिया भारत का वहां पर बहुत ज्यादा आपको पता है पर्वत पाए जा रहे हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए
तो ये है आपकी पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा कैसी होती है, पतली होती है ना, थोड़ी सी पतली सी है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो पतली होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, चाय है ना, क्या पैदा होते हैं, तो चाय, अच्छी किस्म की चाय, इसके बाद में चावल और फल पैदा होते हैं पर्वतीय मृदा में, चावल और फल। तो फल आपने देखा होगा, जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वाले में एरिया में देखा है कि सेब है ना, अंगूर वगैरह, वो जो फल जितने भी फल है वो ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ह्यूमस की अधिकता के कारण ये जो मिट्टी होती है ये क्या होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कैसा होता है, ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ह्यूमस की अधिकता के कारण ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यह मिट्टी होगी ह्यूमस की अधिकता के कारण ये मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ये इसमें मृदा की जो अपरदन की सॉइल इरोजन की समस्या हमेशा बनी रहती है ना, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जो है यहाँ पर, इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मृदा अपरदन इसकी समस्या है। इस मृदा के साथ में सॉइल का इरोजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि पहाड़ी वाले क्षेत्र में कभी भी नीचे मतलब भरभरा करके नीचे गिर गया, मिट्टी नीचे गिर गई, तो वो सॉइल का इरोजन यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। पोटास, फास्फोरस और चूने की भी कमी होती है, पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। तो यहाँ पर हमने पर्वतीय मृदा के बारे में देख लिया कि चाय, चावल, फल आदि की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ह्यूमस की अधिकता के कारण अम्लीय होती है, सॉइल इरोजन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या बनी रहती है, पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। और आपको एरिया तो पता ही होगा कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे पर्वत पाए जाते हैं वहां पर ये आपकी पर्वतीय, उत्तर भारत के क्षेत्र में है ना, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे, हिमालय क्षेत्र में ये पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र, इवन उत्तर वाले हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तक वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी पर्वतीय मृदा, हिली सॉइल है ना। तो अभी यहाँ पर इसका ये कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारी वो है लवणीय और क्षारीय मृदा। कौन सी है, लवणीय और क्षारीय मृदा। एक्चुअली हम पहले मरुस्थली और दलदली पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लवणी को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसका परसेंटेज भी बहुत कम है। तो पहले मरुस्थली और लवणी की बात कर लेते हैं है ना। तो मरुस्थलीय मृदा का जो परसेंट है वो कितना है, उसका परसेंट है मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल बोलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब कि मरुस्थलीय मृदा, क्योंकि एक्चुअली क्यों ये आप अभी मैं जगह बता दूंगी, मतलब डिजर्ट सॉइल बोल रहे हैं तो डिजर्ट वाले एरिया में पाई जाएगी। तो आपको पता है हमारे देश में डिजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, तो मेनली राजस्थान में 6.13% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा है ना। कौन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, 6.13% क्षेत्रफल ये पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। और मेनली इसका जो इलाका है राजस्थान है ना, राजस्थान का इलाका है। और ये मरुस्थलीय जो मृदा है इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा है ना, ह्यूमस और की मात्रा की कमी ही होती है, ह्यूमस और की कमी होती है ठीक है, ह्यूमस और नाइट्रोजन दोनों की ही क्या होती है इसमें, कमी होती है। लेकिन ये मिट्टी है ना बहुत ज्यादा, अगर इस मिट्टी में पानी पहुंचा दिया जाए, इस मिट्टी में पानी की उपलब्धता करवा दी जाए तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ना। ये मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है, क्षारीय गुण वाली होती है। इसलिए पहली बात तो इसका क्या होता है, क्षारीय गुण होता है ना, क्षारीय गुण होता है और बहुत अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है कब, अगर सिंचाई साधन उपलब्ध करा दिया जाए, सिंचाई साधन उपलब्ध करा दिया तो सिंचाई साधन उपलब्ध कराने पर है ना, तो अधिक उपजाऊ होती है अगर सिंचाई साधन उपलब्ध करा दिया जाए। तो कहां, भारत जो हमारे देश में राजस्थान का गंगानगर वाला क्षेत्र है ना, यहां पर क्या किया गया, गंगानगर कौन सी नहर से, इंदिरा गांधी नहर, जो हमने पढ़ा था ना, इंदिरा गांधी नहर
हरी के बैराज ब्यास नदी सतलज नदी में जाकर के मिलती है और वहां पे हरी के बैराज बनाया गया है और वहीं से इंदिरा गांधी ने नहर निकाली गई है जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है, उसी नहर की बात कर रहे हैं। मतलब इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पानी पहुंचा दिया गया, इंदिरा गांधी कैनाल ना? तो ये तो राजस्थान के गंगानगर में यहाँ पर पानी पहुंचा दिया गया। ये जो अधिक उपजाऊ हो गई, अगर सिंचाई साधन उपलब्ध करा दिया जाए तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में, तो राजस्थान तो हो गया, फिर इसके बाद में राजस्थान के बाद में आपका हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, हरियाणा, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो कौन सा, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र, दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र, वही नीचे वाला, क्योंकि पंजाब के बाद ही आपका राजस्थान और गंगानगर, आप अगर मैप को देख रहे होंगे तो दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ये क्या पाई जाती है, मिट्टी देखने को मिल जाएगी आपको, है ना, डेजर्ट सॉइल वाली। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट मृदा पढ़ेंगे, कौन सी, हमारा जो है लवणीय मृदा को, तो एक बार इसको देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा की बात 6.13% पर पाई जाती है, इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, क्षारीय गुण होता है, अधिक उपजाऊ होती है अगर सिंचाई साधन उपलब्ध करा दिया जाए तो। और दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मेनली राजस्थान, और मैंने इसका इलाका बता दिया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जो इलाका है, जिला है, वहां पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी पहुंचा दिया गया और वहां की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इस वजह से बहुत ज्यादा वहां पर खेती होती है। अब तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, लवणीय मृदा, लवणीय सॉइल, लवणीय मृदा, लवणीय मृदा की जो बात होगी तो यह है आपकी सॉल्टी, लवणीय मृदा, सॉल्टी सॉइल, लवणीय मृदा नहीं, हम पहले पीट सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर लवणीय के बारे में पढ़ेंगे ना, पीट सॉइल, इसे क्या बोलते हैं, जैविक, जैविक मिट्टी भी बोलते हैं इसे बोलते हैं जैविक मिट्टी ना। जो ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, 2.94% क्षेत्रफल पर पाई, क्षेत्र पर पाई जा रही है, सॉरी 2.94 नहीं है, 2.17 है ना, वो दूसरा वाला रहता है, 2.17% क्षेत्र पर पाई जाती है जो है पीट मृदा है। अब जो पीट मृदा की विशेषता क्या है, देखिए ये भी अच्छी परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, है ना, क्षेत्र कम होते जा रहा है, तो ये हमारे जो ये है, ये कौन सी है, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर पीट मृदा जो है उच्च आर्द्रता या दलदली क्षेत्र, है ना, उच्च आर्द्रता या दलदली क्षेत्र में, अब दलदली क्षेत्र कौन से, आपके नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र हो गए, वही दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे मैग्रोव वनस्पति होती है ये सब होती है यहाँ पर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नदियों का डेल्टा, तो नदियों का डेल्टा आपको पता है कौन सा, गंगा नदी का डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है उस वाले क्षेत्र में, फिर उसके बाद में ये कृष्णा गोदावरी था जो नदियों के डेल्टा है, महानदी का जो क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पे, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे गुजरात वाले हिस्से में, है ना, गुजरात में कच्छ के रण में भी क्या पाई जाती है, वहां पर ये दलदली जो क्षेत्र है वहां पर यही मिट्टी पाई जाती है, पीट सॉइल। अब इसके बाद में है, इस मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस अधिक होता है, यहाँ पर हमको क्या मिला, ह्यूमस अधिक होता है इस मिट्टी में, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है ना, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है यहाँ पर। इसके बाद में इसमें है, ये किस चीज के लिए फेमस है, तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए, मैंग्रोव वनस्पति इसके लिए, और इस मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, इस मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, आपको इतना याद रखना है। पीट सॉइल के बारे में, उच्च आर्द्रता है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस अधिक होता है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त होती है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त है, लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहे के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीट सॉइल कंप्लीट, मैंने बता दिया डेल्टाई क्षेत्रों में जो भी होगा वहां पर पाए
पाए जाएंगे, तो मतलब कि आपका केरल उत्तराखंड का इलाका, पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र ना, ये मैंने बोल दिया पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में जो गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियां इनके जहाँ डेल्टा वाले क्षेत्र है तो वहां पर भी पाई जाती है, और वहां पे बहुत छोटे छोटे इसमें पाई जाती है, तो आपका बोल सकते हैं साउथ वाले इलाके में है ना, साउथ वाले इलाके में डेल्टा क्षेत्र में, ये जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पे। अब हमारा जो लास्ट है वो है आपकी लवणीय मृदा है ना, लवणीय मृदा, सॉल्टी सॉइल का जिसको नाम दिया गया है लवणीय मृदा। तो लवणीय मृदा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, बहुत कम है, 1.29% है। वाले क्षेत्र पर पाई जाती है, तो मतलब इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो लवणी मिट्टी वो कहाँ पाई जाती है, पहली बात तो इसको किस नाम से जाते हैं, इनको कुछ और लोकल एरियाज में इसका नाम भी है, रेहे ऊसर है ना, रेहे ऊसर, ये लोकल कुछ ही क्षेत्र है जहां पर इसको जाना जाता है। और ये मिट्टी कहाँ पर, जहां पर ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं वहां पर ये लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। ये मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। ये मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है, मृदा क्षारीय होती है। ये एक चीज याद रखना है, इसका नाम है रेहे और ऊसर, क्षारीय होती है ये जो मिट्टी है। जब यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी पानी बह करके आ रहा है ना, तो जो है लवण ऊपर रह जाते हैं और बाकी के पदार्थ लवण ऊपर रह जाते हैं होते हैं, और बाकी के पदार्थ क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, बाकी के पदार्थ नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर जो सॉइल मिट्टी वाला आपका सॉल्टी सॉइल वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, मेनली दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा है ना, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, फिर उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल और सुंदरवन वाला क्षेत्र, सुंदरवन ना, ये जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो सॉल्टी सॉइल लवणीय मिट्टी की बात कर ली, 1.29% क्षेत्र पर पाई जाती है, लोकल कुछ नाम है इसका रे या उसर, यह क्षारीय होती है, लवण ऊपर रह जाते हैं, बाकी के पदार्थ नीचे चले जाते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल और सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है। तो हमने 8 तरह की मृदा, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल पीली मिट्टी, फिर उसके बाद में काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, फिर उसके बाद में जो चार दूसरी और थी है ना, जिसमें कि मैंने बताया आपको मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मिट्टी, फिर उसके बाद में लवणीय मिट्टी, और उसके बाद में एक और मिट्टी बताई थी पर्वतीय मिट्टी है ना। इस तरह की मैंने 8 टोटल मिट्टियों के बारे में आपको बता दिया, जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा 8 भागों में बांटी गई है, इसके बारे में हमने बात कर ली। और हमने उनका लोकल क्षेत्र कौन कौन किस तरह से डिवाइड किया गया है ये भी सब आपको शुरू में बता दिया था। अब आपका काम है कि इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, स्पेशली ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप एक बार अपने साथ मैप को रखिएगा और उसके साथ फिर इसको कम्प्लीट करिएगा। थैंक यू।